ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? ये लीक हो गया तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, श्वेता ने चिंतित स्वर में कहा। वीडियो में किसी हिंदी फिल्मों के गुंडों की तरह सभी लड़के श्वेता से मार खाकर इधर उधर पड़े होते हैं। किसी का नाक फूटा होता है तो किसी की टांग। श्वेता के गुस्से के सामने चारों लड़के बेबस घबराए हुए खड़े हैं। अंत में ऋतिक और उसके दोस्त श्वेता के पैर पकड़कर माफी मांग रहे हैं। ये वीडियो देखकर श्वेता चौंक जाती है कि ये वीडियो अनिका के पास कैसे आया। तब अनिका कहती है, तो क्या ये वीडियो देखने के बाद भी तुम मेरी मदद नहीं करोगी? तुम इतनी भोली भी नहीं हो जितना बनती हो। गुस्से में आई श्वेता ने कहा, व्हाट इज दिस अनिका, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। ये वीडियो तुम्हें कहां से मिला? देखो, मेरी फैमिली को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। ये वीडियो उन्होंने देख लिया तो मेरी फैमिली बिखर जाएगी। मेरे पति मुझे बहुत सीधी साधी औरत समझते हैं, मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती। अनिका बोली, मुझे तुम्हारा पूरा पास्ट पता है श्वेता, तुमने क्या सीखा है, तुम क्या काम करती थी, शादी के बाद तुमने अपनी पहचान कैसे बदल ली, सब कुछ। और मैं ये सब भूल जाने को तैयार भी हूँ। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो अनिका, श्वेता ने रिक्वेस्ट की। अनिका ने कहा, हाँ वो तो मैं कर दूंगी, और मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना भी नहीं है। दरअसल मैं ऐसे तुम्हारी मदद नहीं मांगना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, और अगर तुमने इनकार किया तो ये वीडियो तुम्हारे पति तक भी जा सकता है। फिर तुम्हारी लाइफ में जो तूफान आएगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। श्वेता कुछ देर खामोश रहती है। वो सोचती है कि अगर उसकी फैमिली ही उससे दूर चली जाएगी तो उसकी लाइफ में बचेगा क्या। श्वेता पूछती है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? अनिका ने झट से जवाब दिया, तुम्हारे पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करके। तुमने अपने शार्प माइंड से बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सॉल्व किए हैं श्वेता, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। आकाश को बचा लो श्वेता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये कहकर अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पति के गायब होने के बाद अनिका लाख कोशिश करने के बावजूद जब वो अपने पति को ढूंढ नहीं पाई तब वो पूरी तरह से टूट गई थी। श्वेता को अनिका पर दया आती है, फिर वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। रात को गैलरी में ठहरते हुए श्वेता आकाश के बारे में सोच रही थी। आकाश की कोई दुश्मनी, झगड़ा, पैसों का चक्कर, इसके बारे में वो अलग अलग तर्क लगाती है। तहकीकात का पहला धागा उसे आकाश का ऑफिस नजर आता है जहां से आकाश गायब हो गया था। अगली सुबह 11 बजे श्वेता घर के सारे काम जल्दी निपटाकर आकाश का पता लगाने उसके ऑफिस पहुंच जाती है। आकाश का रियल एस्टेट का ऑफिस काफी बड़ा था। श्वेता तीसरी मंजिल पर लिफ्ट से पहुंचती है। हाँ मैडम, आपको किससे मिलना है? ऑफिस असिस्टेंट पूछते हैं। श्वेता ने कहा, जी मुझे मैनेजर सर से मिलना है। कुछ देर इंतजार करने के बाद श्वेता मैनेजर के ऑफिस में गई तो उसने देखा काला सूट पहने एक मोटा सा आदमी बैठा था जिसका नाम था सोमदत्त खुराना, इस रियल एस्टेट कंपनी का मालिक। मैनेजर खुराना ने श्वेता को सिर से पैर तक देखा और कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, सर आपका इतना मेहनती एम्प्लॉई आकाश भाटिया 3 महीने से गायब है, पुलिस ने तो छानबीन भी बंद कर दी है, उसकी गुमशुदगी पर आपकी क्या राय है? श्वेता के पूछने पर मैनेजर खुराना ने तुरंत जवाब दिया, मैं आपसे बता दूं कि आकाश जितना धोखेबाज और कामचोर एम्प्लॉई मुझे आज तक नहीं मिला। वैसे आप मीडिया से हैं या कोई जासूस है? श्वेता ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दिन के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने की परमिशन चाहिए। खुराना ने हिचकिचाते हुए पूछा, अरे पहले ये तो बताओ आप हैं कौन? सर मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है, ये रहा मेरा कार्ड। तो आप क्या जानना चाहती हैं? मैनेजर ने अपनी सफेद दाढ़ी खुजाते हुए पूछा, आकाश कैसे थे? उनका कंपनी में काम, दूसरों के साथ संबंध, सब ठीक तो था ना? श्वेता के पूछने पर खुराना ने कहा, जी हाँ आकाश हिसाब का पक्का था, सभी काम वक्त से पहले करता था,
गायब होने के दिन उसे कोई खबर नहीं थी कि उसे पेमेंट के सिलसिले में मेन ब्रांच पर 50 लाख रुपए लेकर भेजा जाएगा। शायद उसने ऐसे ही किसी दिन के लिए ईमानदारी का चोंगा पहना था और मौका देखते ही पैसे लेकर गायब हो गया। श्वेता ने पूछा, उसके गायब होने की खबर आपको कब लगी? मैनेजर ने यह भी बताया, जिस दिन वो गायब हुआ उसके अगले दिन वो ऑफिस नहीं आया था। हमें लगा बीमार पड़ गया होगा, लेकिन उसकी बीवी से पता चला कि वो तो घर पर भी नहीं गया। श्वेता ने फिर पूछा, आपको इस ऑफिस में किसी पर शक तो नहीं? किसी की हरकत में अचानक बदलाव आया हो, या फिर आकाश के गायब होने के बाद किसी ने जॉब छोड़ी हो, या फिर ऑफिस में आकाश से किसी की बनती ना हो? मैनेजर झट से बोल पड़ा, हाँ, एक ऐसा एम्प्लॉई है जिस पर शक किया जा सकता है। उसका नाम है केशव, केशव कुमार। जिस दिन आकाश गायब हुआ था उस दिन केशव ठीक आधे घंटे के लिए ऑफिस से गायब था, लेकिन वो जल्दी से वापस भी आ गया था। एक महीने काम करने के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और किसी दूसरी कंपनी में अच्छी जॉब लगी है ऐसा कहकर यहाँ से भाग गया। मैनेजर से पूछताछ खत्म करके श्वेता ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि सफेद शर्ट और काली पैंट पहना दुबला पतला सा आकाश पैसे का बैग लेकर कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकलकर गली में चल रहा है और अचानक बीच मोड़ पर गायब हो गया। उसके बाद आकाश को किसी ने नहीं देखा और ना ही उसकी किसी को खबर लगी। पिछले 3 महीने से आकाश की गायब होने की मिस्ट्री से पुलिस भी परेशान थी। श्वेता ने सोचा, क्यों ना जिस जगह से आकाश गायब हुआ है वो वहां जाकर देखे। श्वेता दोपहर को कंपनी के सामने की गली की तरफ जाने लगी। उसने खुद से बोलते हुए कहा, यहीं से आकाश गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज में इसके आगे कुछ भी नहीं दिखा था। वो जिस रास्ते पर खड़ी थी ठीक उसके खत्म होते ही एक मोड़ पर एक पुराना टूटा फूटा मकान था। वो सालों से बंद पड़ा हुआ था और उस जगह पर कोई आता जाता भी नहीं था, लेकिन मकान के सामने वाली बालकनी में एक लाल रंग की लाइट चालू बंद होकर अचानक से टिमटिमा रही थी। कई साल बंद होने के कारण मकान का रंग अमावस की रात की तरह काला पड़ गया था। श्वेता ने खंडर में छुपे उस मकान का मेन गेट खोला और अंदर जाने लगी। अंदर जाते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। श्वेता ने आवाज दी, कोई है, कोई है, लेकिन वहां हवा भी नहीं बह रही थी। मकान की ऊपरी हिस्से के कांच के शीशे टूट चुके थे। श्वेता मकान के दरवाजे तक गई तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे चींटियां जा रही हैं। तब उसने नीचे देखा तो पाया कि खून के 1-2 लाल दाग नीचे गिरे हुए थे। उसे संशय आया कि जरूर इस मकान में कोई ना कोई सुराग छपा हुआ है। श्वेता ने दरवाजे में बने एक छोटे से छेद से अंदर देखने की कोशिश की तो उसके होश उड़ गए। अचानक से श्वेता के सर से पसीना आने लगता है, उसकी सांसें फूल जाती हैं, आंखें हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, ये क्या देख लिया? इतना भयानक दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा, श्वेता खुद से बड़बड़ा रही थी। अपने आप को तुरंत संभालते हुए वो किसी का नंबर डायल करके कॉल करती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य श्रीवास्तव के मोबाइल पर रिंग बजती है। आदित्य छाछ पीकर दोपहर की नींद ले रहा था, तभी हवलदार देसाई उसे जगाता है। सर उठिए, पिछले 5 मिनट से आपका फोन बज रहा है। आदित्य मोबाइल में देखकर मोबाइल स्क्रीन पर नाम पढ़ता है, श्वेता अग्रवाल। 15 सालों बाद उसकी कॉलेज फ्रेंड श्वेता का कॉल आया हुआ था। अरे हेलो श्वेता जी, अरे कैसी हो? हमारे तो भाग्य खुल गए जो आपने इतने सालों बाद याद किया। बताइए कैसे याद किया इस थानेदार को? आदित्य श्रीवास्तव और श्वेता कॉलेज के दिनों से बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों खेल कूद में सबसे आगे रहते थे। कॉलेज में आदित्य रनिंग में तो श्वेता कबड्डी की स्टार प्लेयर थी। जैसे ही जिंदगी आगे बढ़ती गई दोनों के रास्ते अलग हो गए। कॉलेज के कुछ सालों बाद श्वेता की शादी हुई और आदित्य ने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया। श्वेता ने आदित्य से घबराते हुए कहा, आदित्य तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इट्स अर्जेंट, बहुत सीरियस और भयानक बात है। श्वेता को घबराया हुआ देखकर आदित्य चौंक जाता है। वो सोचता है कि कॉलेज में किसी से नहीं डरने वाली, अपने खेल से दूसरी टीम को डराने वाली ये चैंपियन लड़की अचानक से इतनी घबराई हुई क्यों है। आदित्य श्वेता को शांत होने के लिए कहता है
और तुरंत पुलिस थाने में आने के लिए कहता है। श्वेता भरी दोपहरी में शहर के पुलिस थाने में आती है। उसकी धूप से आंखें लाल हो गई थी। आदित्य कई सालों बाद अपने दोस्त को देखता है। कॉलेज के समय में जो लड़की एकदम फिट थी, आज वो थोड़ी सी मोटी हो गई थी और गुमसुम आंखों से आदित्य को देख रही थी। आदित्य उसे कुर्सी पर बिठाकर पानी देता है और पूछता है, क्या हुआ श्वेता, तुम ठीक हो? श्वेता कुछ देर खामोश रही, फिर आदित्य ने ही पूछा, तुमने अचानक कॉल किया और फोन पर क्या कह रही थी? कुछ भयानक चीज की बात कर रही थी। श्वेता ने कहा, हाँ बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें कैसे बताऊं? अच्छा तुम अनिका के बारे में जानते हो क्या? अनिका का नाम सुनते ही आदित्य की शक्ल फीकी पड़ गई। हाँ बड़ी स्वार्थी और एहसान फरामोश लड़की जो अपने मतलब के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है, वो एक नंबर की लोमड़ी है। श्वेता ने तुरंत अनिका की साइड लेते हुए कहा, अरे ऐसे मत कहो, अच्छी दोस्त है मेरी, मुझे कल अनिका का कॉल आया था, मैं उससे मिली भी, उसका पति आकाश 3 महीने से गायब है। हाँ पता है हमें, पिछले 3 महीने से हम उसके पति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तुम किसी खंडर की बात कर रही थी? श्वेता ने बताया, हाँ आदित्य मैंने आकाश की कंपनी के नजदीक खंडर में कुछ भयानक देखा है, सब कुछ सफेद सा, मैं यकीन से नहीं कह सकती, वो बहुत डरावना था, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। आदित्य ने श्वेता की बात हल्के में ली और कहा, अरे उस खंडर वाले मकान में हमने पिछले हफ्ते 4 बार छानबीन की है, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने कुछ देखा है आदित्य, वहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर छुपा हुआ है। श्वेता की आवाज ठिठुरने लगती है, उसका पसीना छूटने लगता है, उसकी घबराहट बढ़ने लगती है, जैसे मानो उसने किसी प्रेत आत्मा को देख लिया हो। वैसे उसकी रूह कांपने लगती है। सिचुएशन को समझते हुए आदित्य श्वेता को लेकर जल्दी से निकलता है। शाम के वक्त आदित्य और श्वेता खंडर के पास आते हैं। आदित्य दूर से सुनसान मकान को देखता है। आदित्य जल्दी से मेन गेट खोलता है और अंदर आता है, लेकिन श्वेता की गेट के अंदर पांव रखने की हिम्मत नहीं होती है। आदित्य कहता है, अरे अंदर आओ, डरो मत, मैं हूं ना। श्वेता गेट के अंदर आती है। उस भयानक चीज को कहां देखा था तुमने? आदित्य के पूछते ही श्वेता सामने खंडर के बंद दरवाजे की ओर इशारा करती है। दोनों मकान के पास आते हैं। तुम यही खड़ी रहो, मैं देखता हूँ, ये कहकर आदित्य धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। तब वहां 2 कुत्ते पहले से दरवाजे पर भौंक रहे थे। वो वहां पर इधर उधर पड़े पत्थरों में से एक बड़ा पत्थर उठाता है, जिससे वो 2 कुत्ते भाग जाते हैं। आदित्य दरवाजे का बड़ा सा ताला पत्थर से तोड़ता है। उसे वो ताला अभी खरीदा हुआ नए ताले जैसा लगता है। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर की धूल से वो खांसने लगता है। कमरे के अंदर से बदबू की गंध आ रही होती है। वो रुमाल निकालकर मुंह ढक लेता है। जैसे ही वो थोड़ा अंदर आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक दृश्य देख लिया हो। वो सामने देखकर जोर से चीखता है, What the hell is this? मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा। पिछले हफ्ते ये जगह खाली थी, आखिर ये बला यहाँ आई कैसे? आखिर आदित्य ने ऐसा क्या देख लिया था? कोई लाश, प्रेतात्मा या कोई ऐसा राज जो अनिका के पति से जुड़ा था? क्या आदित्य और श्वेता आकाश को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए चक्रव्यूह का अगला एपिसोड।